क्या सपा के ब्राह्मण कार्ड पर भाजपा ने किया गणित? आखिर अखबार में ऐसा क्या छपा? सपाई ने कहा अनुचित। इस सपाई पर पहले बुलडोजर चला, अब चल रही है कलम। सपाई ने कहा भाजपा को हो गया है भरम। समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत है? समाजवादी पार्टी को लोग क्यों वोट दे? माफिया की बिल्डिंग होगी तो क्या सरकार गिराए भी नहीं? सब माफिया ने, मेरे ऊपर कौन सा केस था? मेरा भी बिल्डिंग गिराया गया। एक महुआबाग में बिल्डिंग थी जिसका नाम लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम 1500 लोगों की जीविका चल रही थी, उसको बेदखल कर दिया गया। अभी ताजा आज ही हमने भाजपा के कुकृत्य को देखा। हम सपा के हैं और हमारा नाम बसपा में डाल करके और निकलवा दिया गया था। जानते थे कि ब्राह्मण धीरे धीरे एकजुट हो रहा है सपा के तरफ, इसको तोड़ फोड़ करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा। एक अखबार बिना तथ्य के कोई खबर प्रकाशित नहीं करता है। बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब चंद महीनों में ही होने वाले हैं। जनपद गाजीपुर की यदि मैं बात करूं तो जनपद गाजीपुर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतरेगा। बात सदर विधानसभा क्षेत्र की करें तो क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर संगीता बलवन मैदान में आएंगी, या समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण पर कोई टिकट बांटेगी? कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों के बीच में एक नाम चर्चाओं में है और वो नाम है गणेश दत्त मिश्र का। नाम चर्चाओं में आ रहा है क्योंकि गणेश दत्त मिश्र वही हैं जिनकी 6 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला था और तमाम कानूनी नोटिस पकड़ाए गए थे। हमारे साथ मौजूद हैं गणेश दत्त मिश्र। आपके नाम को लेकर सदर विधानसभा क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आप प्रत्याशी हो सकते हैं। मैं तो एक समाजवादी पार्टी का सीधा साधा कार्यकर्ता हूं। मुझे अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और हमेशा उसके लिए हम डिवोटी हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने टिकट भी नहीं मांगा था, लेकिन इतना जरूर है कि चर्चा में अगर हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे समाजवादी पार्टी, आप कह रहे हैं ठीक है टिकट की बात कह रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत है? समाजवादी पार्टी को लोग क्यों वोट दें? इसका सवाल, इसका जवाब दीजिए। यदि आपको मौका मिल ही जाता है चुनाव लड़ने का तो समाजवादी पार्टी को लोग वोट क्यों दें? इतनी महंगाई है, पेट्रोल का दाम देख रहे हैं आप, तेल का दाम, खाने वाले तेल का दाम देख रहे हैं, गैस का दाम देख रहे हैं, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि समाजवादी को क्यों वोट दें? आखिर दिया क्या है इस एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री योगी जी ने, आप बताइए। सरकार, योगी सरकार तमाम दावे कर रही है कि योगी सरकार ने रोजगार दिया, एक्सप्रेसवे बना दिया, तमाम एक्सप्रेसवे की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, इस तरह के तमाम विज्ञापन हम रोज देखते हैं, इस तरह की तमाम चर्चाएं होती हैं और आप कह रहे हैं कि क्या किया है? विज्ञापन तो आप देख ही रहे हैं, पूरी प्रदेश में चर्चा है कि कलकत्ता का ओवरब्रिज और अमेरिका का तमाम विज्ञापन उसमें लगा दिया जाता है। विज्ञापन की तो कोई बात है नहीं यहाँ। आप कह रहे हैं कि तमाम रोजगार दिया है तो उसकी बात सुनिए, रोजगार तो पूरे प्रदेश में 2500 बिल्डिंगें योगी काल में गिराई गई। अब माफिया की बिल्डिंग होगी तो क्या सरकार गिराए भी नहीं? सब माफिया ने, मेरे ऊपर कौन सा केस था? मेरा भी बिल्डिंग गिराया गया, उस बिल्डिंग से कम 50 लोग जीते खाते। और तमाम जो दुकानदार हैं, आप बताइए, ठीक है एक महुआबाग में बिल्डिंग थी जिसका नाम लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बिल्डिंग में 17-18 दुकानें थी जिसमें तमाम लोग अपना दुकान करके और जीविका चला रहे थे, परिवार का जीविका चला रहे थे, कम से कम 1500 लोगों की जीविका चल रही थी, उसको बेदखल कर दिया गया। आप जानते ही होंगे ये ताजा घटना है। उसी तरह से 2500 मकानें पूरे प्रदेश में गिराई गई है। 2500 में कम से कम 25,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। 25,000 लोग अगर बेरोजगार हुए हैं तो प्रत्यक्ष ये दिखाई दे रहा है कि 25,000, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है कि रोजगार कहाँ मिला है, उसको कहीं प्रमाणित तो है नहीं। लेकिन 25,000 को बेरोजगार कर दिया गया अपने ईगो के नाते और अपनी विकृत मानसिकता के नाते। यदि आप रहते इस जगह पे तो क्या करते? आप आरोप लगा रहे, यदि आप रहते तो क्या करते? सील कर देता,
अगर गैर कानूनी है तो उसको सील कर लेता अपने हाथ में, सरकार अपने कब्जे में ले लेती, फिर कोर्ट से छूटे चाहे ना छूटे, उन लोगों को बेरोजगार मैं नहीं करता जो उसमें कार्य कर रहे थे, सील भी नहीं करता उनको, उसके सभी आमदनी को जो जिस माफिया की या जिसकी भी बिल्डिंग हो उस आमदनी को जो भी उससे आमदनी हो रहा था उसको सरकारी खाते में जमा कराता। ये थोड़े कि सबका गिरा दो नष्ट कर दो, ये तो क्या कहा जाएगा इसको, तो आप जो जिंदगी में कुछ नहीं बनाया होगा, जिसको आराम से गद्दी मिल गई होगी कहीं की भी, चाहे गोरखपुर की गद्दी हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी भी दूसरे की वो छीन करके मिल गई है, वो क्या जानेगा दर्द, बनाने का दर्द वो क्या जानेगा, उसको तो आराम से हट आप के अखिलेश यादव बना लेंगे। अखिलेश यादव जी विकृत मानसिकता के नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे प्रदेश में अमन चैन रहेगा, एक वर्ग विशेष का राज्य नहीं रहेगा, सबका राज्य होगा। तो इनका लक्ष्य है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना, वो तो आगामी विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गणेश दत्त मिश्र एक ब्राह्मण चेहरा है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को शायद ऐसे ही चेहरे की तलाश हो, लेकिन गणेश दत्त मिश्र समाजवादी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, जैसा कि गणेश दत्त मिश्र का। अभी इस पर सुन लीजिए और हमारी बात सुन लीजिए, अभी ताजा ताजा आज ही हमने भाजपा के कुकृत्य को देखा, हम सपा के हैं और हमारा नाम बसपा में डाल करके और निकलवा दिया गया था, आप जानते हैं कि उसके ब्यूरो चीफ कौन है और किसने निकलवाया होगा, ये तो अब भाजपा वाले जानते ही होंगे कौन निकलवाया हमको, इसलिए कि ब्राह्मण बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बहुत बड़ा ये आरोप नहीं है, ये सही बात है, आप पढ़िए देखिए पेपर, ये तो समझ लीजिए कि विपक्षियों का एकदम, हमारे जानते थे कि ब्राह्मण धीरे धीरे एकजुट हो रहा है सपा के तरफ, इसको तोड़ फोड़ करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा, हमको बसपा का ना मैं सदस्य हूँ, ना बसपा में आज तक मैं कभी गया हूँ, ना बसपा के कहीं मीटिंग अटेंड किया हूँ, मैं तो सीधा सीधा व्यवसायी था, व्यवसाय हो करके व्यवसायी होते हुए भी जब हमारे ऊपर तमाम कार्रवाई हुई तो मैंने सपा का दामन थामा और सपा के साथ मरते दम तक अंतिम समय तक रहूंगा। आपने कहा कि आपकी खबर चला दी गई कि आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में आ रहे हैं, आपका यही कहना है? हाँ, यही कहना। आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, एक अखबार जनता पार्टी पर ही नहीं, उस अखबार जो गोदी मीडिया के सदस्य है उस पर भी मैं लगा रहा हूँ। एक अखबार बिना तथ्य के कोई खबर प्रकाशित नहीं करता। भाजपा के लोग कह देंगे कि गणेश मिश्रा हमारे पार्टी में आ गया तो पेपर निकाल देगा, हमसे तो पूछेगा। ये जांच का विषय है, आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन ये एक जांच का विषय है कि वो खबर कैसे प्रकाशित हुई, किसने तथ्य दिया। हाँ, ये जरूर है कि आपने बताया कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है कि गाजीपुर में आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। खबर कैसे निकली वो एक अलग मुद्दा है, वो जांच का विषय है। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए कि इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है, हमेशा से यही काम करती आई है, हमेशा विवादास्पद बना देना किसी को भी जिसका चेहरा पर ब्राह्मण ध्यान दे उसको भी विवादास्पद बना। तो यहाँ पे गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गणेश दत्त मिश्र द्वारा लगाया जा रहा है। गणेश दत्त मिश्र एक ब्राह्मण चेहरा है और जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण चेहरे का बखूबी प्रयोग करे। देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होता है, तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।